एलन मस्क अपने 6 बिलियन डॉलर डोनेट करने को तैयार हैं। जी हाँ, वो 6 बिलियन डॉलर डोनेट करने को तैयार हैं। यह सब एक ट्वीट से शुरू होता है। डेविड बेस्ली, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि एलन मस्क की संपत्ति एक दिन में 36 बिलियन डॉलर बढ़ गई जब हर्ट्ज ने 1 लाख टेस्ला ऑर्डर किया। अगर टोटल इंक्रीज के 1/6 भाग अगर मस्क डोनेट करते हैं तो वो 42 मिलियन लोगों की, जो भुखमरी के शिकार हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। फिर क्या था, मस्क ने अपने ट्वीट में कहा, यदि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसे डिस्क्राइब कर दे कि कैसे 6 बिलियन डॉलर भूख की समस्या को समाप्त कर सकता है, तो मैं अभी टेस्ला के शेयर को बेच दूंगा और ये काम करूंगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये सारा प्रक्रिया जो है ओपन अकाउंटिंग होना चाहिए ताकि लोग देख सके कैसे और कहाँ पैसा खर्च हुआ है। पर जब डेविड बेस्ली से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 6 बिलियन डॉलर वर्ल्ड हंगर को ख़त्म तो नहीं कर सकता, पर विश्व राजनीतिक अव्यवस्था, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बड़े पैमाने पर जो माइग्रेशन होते हैं वह ख़त्म हो सकता है और उन 42 मिलियन लोगों को बचाया जा सकता है जो भुखमरी के कगार पर हैं, और एक क्राइसिस जो कि कोरोना महामारी के कारण फैली है उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर एली डेविड ने डेविड बेस्ली से पूछा कि क्यों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भूख की समस्या को समाप्त नहीं कर पाया जबकि 2020 में 8.4 बिलियन डॉलर इकट्ठा हुआ था। फिर डेविड बेस्ली ने मस्क को ट्वीट करना शुरू किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऐसा संस्थान है जहां पर ट्रांसपेरेंसी और ओपन सोर्स अकाउंटिंग होती है। मस्क अगर चाहें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कार्य प्रणाली को चेक कर सकते हैं और इसके बारे में निश्चित हो सकते हैं। उन्होंने और भी कहा कि अगर मस्क अगर मदद करे तो उनकी मदद से एक नई आस्था की किरण ला सकते हैं, एक नई स्थिरता पैदा कर सकते हैं और भविष्य बदल सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में करके हमें बताएं और लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।